हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल शुभ यात्रा। और आज मैं यहाँ हूँ MBS मरीना बे सैंड्स में, और आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी खास जगह, और वहाँ से मैं वो व्यू दिखाऊंगा। तो बेसिकली आज मैं कवर करने वाला हूँ MBS टॉप पे, मैं अभी थोड़ी देर में जो MBS मरीना बे सैंड्स होटल है मैं उसके टॉप पे जाऊँगा, डेक पे जाऊँगा, और वहाँ से नाइट में डाउन जब आप नीचे की तरफ देखोगे तो कैसे व्यू आती है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी डे टाइम में उसे कवर किया हुआ है कि डे टाइम में वो कैसा लगता है जब आप ऊपर डेक पे जाते हो, और आज मैंने सोचा है कि वो व्यू मैं आप लोगों को नाइट में दिखाऊं कि नाइट में कैसा लगता है, और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ वहाँ पे नाइट में, और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस चैनल के थ्रू शुभ यात्रा। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम्स, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डार्क, एंड वंस डार्क हैपन्स देन आई विल टेक यू ऑन अप स्टेयर्स। सो जस्ट वेट फॉर टाइम, मीन वाइल टाइम यू इंजॉय दिस ब्यूटिफुल व्यूज, दिस ब्यूटिफुल अराउंड MBS। हम लोग थोड़ी देर में ये जो डेक आप सामने देख रहे हैं मैं उसके ऊपर जाऊंगा, और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि वहां से नाइट में व्यू कैसा लगता है। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ओके गाइस, सो मैं अभी मरीना बे सैंड्स की तरफ जा रहा हूं, वहां मैं टिकट बाय करूंगा और फिर मैं आप लोगों को ऊपर लेके जाऊंगा। ओके गाइस, मैंने टिकट ले लिया, ये टिकट है मेरा ऑब्जर्वेशन जाने के लिए। आपको ये 56 फ्लोर पे जाना पड़ेगा। अभी मैं 56 मैं अभी ऑब्जर्वेशन डेक पे पहुंच गया हूँ, और आप देख सकते हो कि हवा तेज चल रही है काफ़ी ज़्यादा, और इसलिए मेरे जो मोबाइल है वो काफ़ी वाइब्रेट हो रहा है, काफ़ी हिल रहा है। तो मैं कैसे भी कोशिश करके मैं उसको स्टेबलाइज कर देगा ताकि एक अच्छा सा शॉट लिया जा सके ऊपर से। और ये ऊपर से नज़ारा है इस समय MBS के टॉप ऑब्जर्वेशन डेक से, आप देख सकते हो नीचे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है सिंगापुर सिटी। लास्ट टाइम मैं लास्ट ईयर आया था मैं अगस्त 2020, और इस समय आप देख सकते हो काफ़ी तेज हवा चल रही है यहाँ ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक पे, और मैं जब कभी भी यहाँ आता हूँ काफ़ी अच्छा लगता है। और स्पेशली मैं अभी तक जितने बार भी आया हूँ यहाँ पे नाइट में आया हूँ, तो आज मैं डे में आया हूँ, तो आज मैं आप लोगों को डे नाइट में दिखाना चाहता था कि नाइट में ये ऑब्जर्वेशन डेक से व्यू कितना अच्छा लगता है। तो अभी मैं आप लोगों को जब डार्क एक बार हो जाए पूरी अच्छे तरीके से, तो मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाऊँगा, कितना हैपनिंग मोमेंट लगता है, कितना ब्यूटीफुल लगता है यहाँ से जब आप पूरा सिंगापुर सिटी यहाँ से देख पाओगे। सकते हो कि नाइट में सिंगापुर कितनी खूबसूरत लगती है MBS ऑब्जर्वेशन डेक से। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जब कभी भी आप सिंगापुर आओ तो एक बार नाइट में ऑब्जर्वेशन डेक पर आओ, मौसम काफ़ी अच्छा है, बड़ा ही रोमांटिक लग रहा है, और जब कभी भी आप आओगे तो ऑब्जर्वेशन डेक पर एक बार ज़रूर आप आओ। ये सामने सिंगापुर फ्लायर है जिसे आपने मेरे ब्लॉग में काफ़ी बार ऑलरेडी देख चुका होगा आप लोगों ने। सामने पूरा सी का पार्ट है, और ये क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम है, ये जो दो शेल के आकार का आप देख रहे हो, और सी काफ़ी प्यारा नज़ारा लग रहा है यहाँ से गाइस। लिटरली आई एम फीलिंग लाइक दैट आई एम इन हेवन। और ये सिंगापुर सिटी, हवा काफ़ी तेज चल रही है इसलिए मेरा मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, बिकॉज आई कुड नॉट एडजस्ट प्रॉपर वे, जो मोबाइल का जो सेल्फी स्टिक है वो काफ़ी हिल रहा है इस समय। बड़ा ही मनमोहक दृश्य यहाँ से आप देख सकते हो, ये कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, ये पूरा जो गार्डन बाई द वे का एरिया है, और ये क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से।
ऊपर से देखने पे लाइटनिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, और स्पेशली ये जो बैकग्राउंड में जो सी का जो आपको बैकग्राउंड जो व्यू मिल रहा है दैट इज़ ऑसम। ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है फोटोग्राफी के लिए, तो आप लोग एक बार यहाँ पे ज़रूर ट्राई करो जब कभी भी आओ तो फोटोग्राफी के लिए। डेक पे और ये देख सकते हो आप मेरे पीछे व्यू कितनी अच्छी व्यूज आ रही है, यहाँ पे हवा काफ़ी तेज चल रही है आप देख ही सकते हो, और लिटरली ये जो सेल्फी स्टिक है मेरे हाथ में ये काफ़ी वाइब्रेट हो रही है जिस कारण मैं मुश्किल हो रही है मुझे वीडियो स्टेबलाइजेशन। ये पूरा नज़ारा है यहाँ एमबीएस का, ये आप देख सकते हो। एमबीएस में अगर आप लिटरली उस तरफ देखोगे तो यूजुअली जो आप देखते हो जो वगैरह है जो एमबीएस में मरीना बे सैंड्स में वो उस तरफ है, और ये हाफ पार्ट में सिर्फ जो यहाँ टूरिस्ट है या जो ये होटल के जो गेस्ट हैं ओनली दोज आर अलाउड इन दोज पार्ट, एंड जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन टूर है जो ऑब्जर्वेशन टेक टूर है वो सिर्फ यहीं तक अलाउड है। और ये पार्ट में आप मेरे पीछे देख सकते हो ये पूरा डेक एरिया है वहाँ पे नीचे, मैं यहाँ से दिखाऊंगा ये जो डेक एरिया है सामने वहाँ आप घूम सकते हो, और ये एक रेस्टोरेंट है यहाँ आप कुछ भी जो जो कुछ भी आपका दिल करे वो आप यहाँ पे खा सकते हो, और इसके पीछे भी एरिया है जो सी फेसिंग है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो मुझे तो यार काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ, और आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं। तो आप सिंगापुर आओ तो स्पेशली नाइट में ऑब्जर्वेशन डेक पर ज़रूर आओ आप। वेदर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुहाना है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और मैं अब सोच रहा हूँ काफ़ी सारा मैंने शूट कर लिया है तो मैं सोच रहा हूँ अब और किसी और जगह जाया जाए ताकि वहाँ तो मैं कुछ शूट कर सकूँ आप लोगों के लिए। यहाँ स्टेयर केस आई नीड टू वॉच इट और एल्स आई नीड टू। तो ये जो ऑब्जर्वेशन डेक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी मैं वहाँ ऊपर की तरफ था, ये पूरा ऑब्जर्वेशन डेक पर आप आराम से यहाँ पे फोटोशूट कर सकते हो। एक्चुअली लाइट कम है यहाँ पे क्योंकि नाइट का टाइम है इसलिए प्रॉपर लाइट नहीं है यहाँ पर अभी। ओके गाइस, सो मैंने ये ऑब्जर्वेशन डेक तो कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे, अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ और दिखाया जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा स्ट्रक्चर, ये जो गार्डन बाय द वे का एरिया जो है यहाँ पे, ये मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को लेकर चलता हूँ। ये जो एग्जैक्टली ये जो आप देख रहे हो ये डोम और ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो इस एरिया में अभी आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। ओके गाइस, सो ये था एमबीएस का पार्ट जो मैंने आप लोगों को ऊपर, अभी हम लोग यहाँ पर थे टॉप डेक पे, तो ये अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था, और अब मैं ये ब्लॉग एंड करने जा रहा हूँ। और गाइस अगर ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, ये सीनरीज आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। जितना ज़्यादा शेयर करोगे लाइक करोगे उतना मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने ब्लॉग को आगे बनाने के लिए, और इसी तरीके से शुभ यात्रा आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे सीनरीज एंड व्यूज आप लोगों के लिए लेकर यहाँ आती रहेगी। तो टिल द टाइम बाय बाय, हैप्पी संडे, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल शुभ यात्रा, बाय बाय।